हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे झील जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे और कितना ज़्यादा ये गिरने वाला है और किस लेवल से ये यू टर्न ले सकता है। अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो इसने हाई लगाया अराउंड 600 के आसपास और तब से ये नीचे गिर रहा है। और ये ईयर था 2018 जैन का, ठीक है? तो पिछले हम बोल सकते हैं 6 ईयर से, 5 से 6 साल से ये फॉल हुआ है और बिल्कुल अपने जो इसका लोएस्ट प्राइस है उसके आसपास कहीं ना कहीं ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक कोशिश जरूर किया था एक बाउंस बैक देने का, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाउंस बैक फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो और कितना नीचे गिरेगा, फ्रेश एंट्री किस लेवल पे ले सकते हैं या फिर किस लेवल से यू टर्न लेगा, ये सबको हम लोग वन बाई वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमारा जो लो है हम लोग उसे मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा लो है लगभग लगभग 114 के आसपास। और ये यहाँ पे पूरा अगर जोन की बात करेंगे, जो हमारे पास एक सपोर्ट जोन होगा नीचे, वो बिल्कुल 104 से लेके 114 से लेके 120, मतलब 5 से 6 रुपए का एक जोन है जहाँ से अगेन ये बाउंस बैक दे सकता है। अब इसके पीछे का दो रीज़न है, अगर आप देखेंगे वन बाई वन टेक्निकली, तो ये पॉइंट है, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट था जब ये ऊपर से 2018 में फॉल हो रहा था, तो ये पहला पॉइंट था जहाँ से इसने बाउंस बैक दिया था और अप्रोक्स लगभग लगभग ये 40% यहाँ पे रिकवर कर लिया था। एंड उसके बाद अगेन यहाँ से 2020 में सेलिंग आया, तब से ये पॉइंट हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, ये लेवल रिटेस्ट नहीं हुआ है। वन थिंग, सेकेंड थिंग, अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर से, बहुत ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है? तो ये कोई भी शेयर, हम सभी को पता है कि इस तरीके से ऊपर या फिर इस तरीके से नीचे जाके प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, हमेशा उसमें ऊपर नीचे ये स्टेयर केस वाला चलता है। मतलब हाई बनाएगा लो बनाएगा, हाई बनाएगा लो बनाएगा, इस तरीके से ट्रेड करता है। अगर इन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एक साथ मर्ज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इस जोन में आके यहाँ से अगेन एक बाउंस बैक देने वाला है। अब ये बाउंस बैक कितना सस्टेन करेगा, कितना ऊपर जाएगा, ये हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन ये इस चीज़ से पता चल रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक मिलने वाला है। अगर आप इसका पीछे का देखेंगे, ये वाला कैंडल था, ये बहुत अच्छा एक कैंडल था, 20% का वन डे में मोमेंटम दिया, ठीक है? फिर बाकी के 3-4 दिन में जितना मोमेंटम था सबको लूज कर दिया, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से कैंडल बना है। ये कैंडल अगर यहाँ सस्टेन कर गया होता तो हो सकता था कि ये यहाँ से अभी और ऊपर की ओर निकल जाता, लेकिन जिन लोगों ने बाई किया होगा इस लेवल पे, सभी लोग यहाँ पे क्या हो गए हैं, फंस गए हैं। तो अभी बहुत लोगों का एसएल जो होगा 125 के आसपास होगा और बहुत लोगों का एसएल जो होगा 110 के आसपास होगा, ठीक है? तो अगर किसी ने फ्रेश एंट्री नहीं लिया है, पहले से क्वांटिटी पड़ा है, तो वो अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल कर सकता है। और एसएल, क्योंकि देखिए हम लोगों को किसी को भी पता नहीं है कि ये और कितना नीचे जाएगा, क्योंकि इसने जब ये पहले ऑल टाइम हाई नहीं लगाया था, ठीक है? तो यहाँ पे इसने लगभग लगभग 48-50 का भी हमें लो दिखा रखा है जो ऑलरेडी हम लोग को दिख रहा है। तो हम लोगों को पता नहीं है ये और कितना नीचे जाएगा। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें यहीं पे एग्जिट कर देना चाहिए। क्यों? अगर यहाँ से बाउंस बैक देता है, नो डाउट हम लोग पकड़ लेंगे या कोई और शेयर में निवेश कर लेंगे जो भी पैसे हैं, लेकिन अगर यहाँ से नीचे जाता है तो और हमारे पैसे जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं वो हाफ हो जाएंगे। मतलब 50-60% जिस प्राइस पर भी ट्रेड कर रहा है उसे 50-60% से आपका अकाउंट क्या होगा, ड्रॉ डाउन हो जाएगा। इससे बेटर है कि एक ऐसा लगा के यहाँ पे रखें और हम एग्जिट कर जाए नीचे की ओर जाता है। तो अगर आप इसके पीछे की हिस्ट्री देखेंगे तो पीछे की भी हिस्ट्री इसकी ऐसी ही रही है। 9-10 रुपीज़ का शेयर था, 822 पे गया, फिर नीचे आके इसने लगभग लगभग कुछ नहीं तो 2000 से लेके 2012 तक ये लगभग लगभग हो गए हैं 10 साल, एक ही रेंज में इसने ट्रेड किया। और उसके बाद बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट देने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है। एक बार मैं मंथली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो हम लोग को थोड़ा सा और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं इन सारे पॉइंट्स को मैच करके, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बना लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है? अब ये जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम लोगों ने अभी प्राइस निकाला था, अगर आपको याद होगा, 118 से लेके 114 से लेके 115 तक का। अब आपको पता चल रहा होगा कि इस ट्रेंड लाइन का भी जो सपोर्ट आ रहा है बिल्कुल इसी सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो इसीलिए ये ऐसा लेवल होगा जहां से बाउंस बैक दे सकता है। हो सकता है इसी मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ में ये इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करे। अगर ये ब्रेक करने की कोशिश करता है, मान लेते ये हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, और ब्रेक करके नीचे की ओर जाता है और अगेन उसी मंथ में ये ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देता है, मतलब
मंथली टाइम फ्रेम पे हैमर टाइप कैंडल या फिर ऊपर की ओर एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से बना देता है, ठीक है। तो जैसे इसका हाई ब्रेकआउट होगा एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसका भी एसएल होगा इसके नीचे सबको क्या करेगा, ये बाहर कर देगा फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सेलर्स को डिफीट करके ऊपर की ओर क्लोजिंग देगा। एंड उसका जब ब्रेकआउट होगा इट मीन्स यहाँ पे बायर्स फिर से एंट्री ले रहे हैं। तो इसी का एसएल लगा के हम लोग यहाँ पे थोड़े से क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी फाइनल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लेना है कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं और किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम से देखेंगे तो लगभग लगभग इसने ये वन डे में यहाँ पे 20% का मोमेंटम दिया। बहुत से लोग यहाँ पे फंसे होंगे, ठीक है। अब जब लोग यहाँ पे फंस गए हैं फिर से यहाँ पे रिवर्सल तो दिया था लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, और पिछले ये मान के चल सकते हैं हम लोग 3 वीक से ये नीचे की ओर फॉल हो रहा है। अब जब फॉल हो रहा है तो रिसेंट हमारे पास लो रिसेंट स्विंग कहाँ पे है, तो हम लोग देखेंगे 125 के एग्जैक्ट लेवल के आसपास जो हमारा रिसेंट स्विंग है इसके आसपास है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया था और 167 के आसपास आके ये ट्रेड करके आया है। तो हमारे पास एक ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बना है, ठीक है। क्योंकि वन अगर ये इस लेवल से आके यहाँ से बाउंस बैक देता है, मान लेते हैं 4-5 दिन से लगातार यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो और ज़्यादा फॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो गई, राइट। तो यहाँ पे रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं बड़ा कैंडल बना है, इसके अंदर 2-3 कैंडल बना है, उसका हाई ब्रेकआउट किया, इट मीन्स यहाँ से फिर से बाउंस बैक देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जब बाउंस बैक देगा तो 135 का जो लेवल होगा एक ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि इस पर बहुत ही अच्छे से सपोर्ट ले रहा था जिसे इसने ब्रेक कर दिया है। तो जब ये अगेन ऊपर की ओर जाएगा तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसी वजह से यहाँ पे डब्ल्यू टेक पैटर्न देखने को मिल सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं सेफ एंट्री के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं सेफ एंट्री के लिए, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं। और जब भी आने वाले समय में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो 2024 का एक ट्रेंड है, ठीक है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, ये कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिस्की शेयर है इसलिए बहुत ही सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।